किसानों पर लगाए गए 3 कृषि काले कानून जिनको सरकार ने लागू किए थे वो वापस ले लिए गए हैं, जिसकी खुशी में आज शिवपुरी शहर में किसान मजदूर एकता रैली निकाली गई जो गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई, जिसमें करीब 100 से अधिक ट्रैक्टर शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि जय जवान जय किसान के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग माधव चौक, कोर्ट रोड, हॉस्पिटल चौराहा, राजेश्वरी रोड से होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर रैली का समापन किया गया। रैली का राजराजेश्वरी रोड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से फूल वर्षा कर स्वागत किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरबजीत ढिल्लन। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के वीर सेनानी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन जी का बेटा हूँ। आज जो रैली निकाली गई थी, किस विषय को लेकर रैली निकाली गई थी? क्या जी, आज जो रैली निकाली गई थी ना, किस विषय को लेकर निकाली गई थी? ये जो प्रजातंत्र को बचाने के लिए भारत के किसान इकट्ठे हुए थे दिल्ली में, उसमें उनको जो सफलता मिली है उसकी खुशी में ये रैली निकाली गई है। क्या कहना चाहोगे आप? कहना क्या चाहेंगे, जो हमारे शहीदों की कुर्बानी से मिली हुई आज़ादी का मूल प्रजातंत्र है वो बचा रहे, तो उसके लिए सबको एक होके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको और खूबसूरत और मजबूत बनाने की हमेशा ज़रूरत है। लगभग सारे किसान एक साल से लड़ रहे थे, जिसमें कुछ किसान शहीद भी हुए, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? वो हमारे प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द उनके लिए कहना चाहिए थे, जो नहीं कहे उसके लिए हमारा मन दुखी है। जबकि सत्यलाल बहादुर शास्त्री जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि जवानों के साथ हमारी भी जय बुलाई और हमें अन्नदाता भी कहा जाता है, तो किसान अगर कोई किसान नहीं भी है तो वो किसान से जुड़ा हुआ, क्योंकि अन्न तो सभी खाते हैं और इन सारी चीज़ों की सबको ज़रूरत है। पूरा देश मजबूत बने तो सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। आपका जो स्वागत किया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो उसमें भी आप क्या कहोगे? मेरा स्वागत किसान यूनियन आपके पूरे के अच्छा स्वागत किया तो अच्छी बात है, स्वागत किया तो उन्होंने सोच के विरोध नहीं करते हैं, कुछ सोच के किया होगा, हम भी उनका स्वागत करते हैं, उनको अच्छा लगा होगा। और जो किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, हमारी यही बेनती है वो मुकदमे रद्द किए जाएं। हमारा ये विशेष है जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी की और जितने भी किसान यूनियन है उनकी जो जो मांगे हैं वो जब तक पूर्ण नहीं होंगी तो हम उनका हमेशा साथ देते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।